हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है यूट्यूब चैनल आईटीआई थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। मैं हूँ जेआर सुंदेसा और आज अपन एक नई शुरुआत नई बुलंद के साथ में करने जा रहे हैं। फर्स्ट चीज़ है कि इतने दिनों से लड़कों के कुछ कमेंट आ रहे थे, लड़के बोल रहे थे कि सर क्यों नहीं आप एक यूट्यूब चैनल बना लो जिसके ऊपर थ्योरी की कंपटीशन की तैयारी करवाई जाए। मैंने कई बार विचार करने के बाद में एक नई बुलंद के साथ में मैंने एक शुरुआत की है। अब फर्स्ट बात आई, आप सोच रहे होगे इस यूट्यूब चैनल पे क्या बढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट चीज़ है, अपन नाम से ही पता चल रहा होगा यूट्यूब चैनल के कि आईटीआई थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, मतलब आईटीआई की थ्योरी प्लस आपको साथ साथ में प्रैक्टिकल भी पढ़ाया जाएगा। और प्लस एक बात भूलना मत दोस्तों, कंपटीशन की तैयारी भी अपन साथ साथ में करवाते जाएंगे। ठीक है, तो इसी उमंग के साथ में अपन आगे शुरुआत करते हैं कि कैसे पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि पढ़ा लिया सबसे पहले अपन आते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट से अपन शुरुआत करेंगे धीरे धीरे धीरे। पूरा सिलेबस अपना आईटीआई का, इलेक्ट्रिशियन का, जैसे कि वायरमैन भी साथ में है, तो इन दोनों का पूरा क्लियर करवाते जाएंगे। एक चीज़ तो आपने पढ़ी होगी, जैसे कि अपन आईटीआई में आप ही करे हो या फिर मेरे दोस्त कहीं आईटीआई करके भी बैठे हैं, ठीक है ना, और कुछ कर भी रहे, ठीक है ना, तो जो कर रहे हैं मैं उनसे पहले एक ही सलाह दूंगा कि आप आईटीआई कर रहे हो, ठीक है ना, तो उस लेवल से पढ़ रहे हो आईटीआई के लेवल से, और कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा हटके होता है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होता है, ठीक है ना, तो अपन दोनों का सिलेबस साथ में लेके, सिलेबस सेम ही है लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। मतलब कंपटीशन का जो सवाल उसमें आते हैं और जो अपने आईटीआई में सवाल आते हैं, थोड़ा सा उनका थोड़ा सा तरीका अलग है। अब मतलब अलग अलग भर्ती को देख लें अपन, जैसे कि डीएमआरसी देख ली, नोएडा मेट्रो देख ली, विद्युत बिजली घर में भर्ती आती है उसके उसको देख लिया अपन, ठीक है ना, तो जो बिजली घर में भर्ती आती है एक डीएमआरसी में भर्ती आती है, उनमें बहुत डिफरेंट है, उनके सवालों क्वेश्चन में भी बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। तो अपन दोनों को साथ में लेके चलेंगे, हमारा यही टारगेट रहेगा हर बंदे का एक सिलेक्शन सही है। और जो बंदे आईटीआई कर रहे हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप आईटीआई तो कर रहे हैं, साथ साथ में क्या किया जाए, एक वीडियो रोजाना जरूर देख ले, आधा घंटा का, आधा घंटा नॉर्मली टाइम निकाल, फेसबुक ऐप है, इंस्टाग्राम है, उस पर भी निकाल सकते, तो इस पर तो कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई है नहीं बात, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कोई मोटर ले ली, इस कॉल के इंडक्शन मोटर के उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है ना, अपन शुरुआत में ये नहीं पढ़ेंगे, अपन शुरुआत में नॉर्मल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे आईटीआई का कुछ मालूम ही नहीं है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, उस बंदे को ही अपन साथ में लेके चलेंगे। तो अपना जैसे कि मैंने कोई स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर ले ली, तो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में अपने क्या करेंगे, एक पूरा उसके बारे में थ्योरी पढ़ लेंगे। थोड़ी पढ़ने के बाद में अपन क्या करेंगे, दूसरे दिन जस्ट अपना दूसरा वीडियो निकलेगा जिसमें अपना प्रैक्टिकल करवाएंगे। स्क्वायर केज मोटर है तो उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, और मोटर की दिशा कैसे बदली जाती है, और मोटर की स्पीड कैसे मापते हैं, और मोटर के अपन देखते हैं ना वाइंडिंग कौन किस प्रकार की होती है, रोटर कैसा होता है उसके अंदर, ठीक है ना, और ये सब पूरी मेंटेनेंस वगैरह उसके बारे में, और कौन कौन से डेल्ट स्टार्टर भी उसके साथ में लगा सकते हैं, और कनेक्शन किस प्रकार के होते हैं, स्टार का होता है, डेल्टा का होता है, और किस प्रकार से अपन मोटर चला सकते हैं, ठीक है ना। मतलब प्रैक्टिकल में आपको सारी उसके अंदर जानकारी दे दी जाएगी, जिससे कि आपको जो थ्योरेटिकल में कल पढ़ा था उससे दूसरे दिन आप प्रैक्टिकल में देखोगे तो पूरा मेरे हिसाब से पूरा आपको समझ में आ जाएगा। 50% उसमें आ गया तो 50% इसमें आ जाएगा, तो इसका मतलब आपका एकदम टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा।